मणिपुर में बीते रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ आसमान में मंडराता हुआ दिखाई दिया और उसे देखा भी सीआईएसएफ के जवानों ने। इसके बाद इम्फाल एयरपोर्ट पर करीब 3 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। इसके बाद इम्फाल एयरपोर्ट से न कोई फ्लाइट उड़ी और न ही लैंड हुई। वहां नागरिक विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि कोलकाता जाने वाली 2 फ्लाइट्स के रूट डाइवर्ट कर दिए गए, वहीं 3 फ्लाइट की लैंडिंग भी देरी से हुई। इम्फाल का एयर स्पेस और फ्लाइट ऑपरेशन भी तुरंत बंद कर दिया गया। क्लियरेंस मिलने के बाद ही कमर्शियल फ्लाइट्स की सुविधाएं बहाल की गई। इम्फाल एयरपोर्ट में दिखे यूएफओ की खोज के लिए भारतीय वायुसेना एक्शन में आ चुकी है। भारतीय वायुसेना ने अपने 2 राफेल फाइटर जेट्स को उनकी खोज के लिए भेजा। ये फाइटर जेट्स लगातार इम्फाल और उसके आसपास में के आसमान में इस यूएफओ की खोज में लगे हैं। भारतीय वायुसेना के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि इम्फाल एयरपोर्ट से सिविलियंस ऑफिसर्स की तरफ से यूएफओ देखे जाने का संदेश मिला। इसके बाद तत्काल हाशिवारा एयरफोर्स बेस से एक राफेल फाइटर जेट को उसके तरफ उड़ाया गया जहां यूएफओ दिखा था, लेकिन राफेल के रडार पर कोई अनजान विमान या नहीं आया, न ही पायलट ने आसमान में कोई ऐसी चीज देखी। जैसे ही पहला फाइटर जेट वापस लौटा, डबल चेक करने के लिए दूसरा राफेल भेजा गया, लेकिन उस इलाके और उसके आसपास कोई भी यूएफओ नजर नहीं आया। लेकिन भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड ने तत्काल अपना एयर डिफेंस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म शुरू कर दिया। वहीं पूर्वी कमांड ने एक्स पर लिखा कि भारतीय वायुसेना ने एयर डिफेंस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि इम्फाल एयरपोर्ट से विजुअल इनपुट आए थे। कहा गया था कि 4 बजे करीब एक यूएफओ एयरफील्ड से पश्चिमी दिशा की ओर जाता देखा गया। एयरफोर्स ने जब सर्च अभियान चलाया तो वहां उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि उसके बाद वह छोटी उड़ने वाली वस्तु दोबारा उस इलाके में नहीं देखी गई। आपको बता दें कि भारत में यूएफओ देखे जाने की घटना नई नहीं है। भारत में यूएफओ देखे जाने के दावे पहले भी किए जाते रहे हैं। 15 मार्च 1951 को दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के सदस्यों ने सिगार के आकार के ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ते देखा था। फिलहाल के इतना ही। नमस्कार।